नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के नर्सिंग क्लासेज में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पोजीशनिंग, जो कि एग्जाम में एक पोजीशन के बारे में तो पूछा ही पूछा जाता है। और आपको इमेज के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इमेज देखनी है और उनके यूज किस पर्पज में इसको लिया जाता है पोजिशन को। तो क्योंकि आपको उसके यूज के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इमेज दिखाकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पोजिशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोजीशनिंग। तो फर्स्ट पोजीशन देखते हैं स्पाइन पोजीशन, और इसका दूसरा नाम होता है हॉरिजेंटल पोजीशन। आपको देखने को मिल सकती है, आपको केवल इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसके यूज और पोजीशन पोजीशन की जो पिक्चर है वो आपके बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए और आपको उसके यूज पता होना चाहिए। क्योंकि यूज इंपॉर्टेंट है कि किस मतलब कि यूज में लिया जाता है पोजिशन को। तो स्पाइन पोजीशन देखिए, तो स्पाइन पोजीशन का यूज वाइटल साइन मॉनिटरिंग, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हैं। तो कौन सी पोजीशन पुट करते हैं? स्पाइन स्पाइन पोजीशन को पुट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइटल साइन मॉनिटरिंग के टाइम कौन सी पोजीशन पुट करते हैं, तो स्पाइन पोजीशन आएगा। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टॉय का हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो कौन सी पोजीशन पुट करते हैं? स्पाइन पोजीशन करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी प्रोसीजर। ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी, ड्यूरिंग शब्द आ गया, ड्यूरिंग का मतलब है कि प्रोसीजर करते समय, लिवर बायोप्सी करते समय क्या करेंगे हम? स्पाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेंट टू एग्जाम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इन्फेंट, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट की बात हो रही है यहां पर। इन्फेंट का अगर थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम स्पाइन पोजीशन देते हैं। अगर इसमें अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में हम देते हैं सिटिंग पोजीशन। थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करना हो ना अडल्ट में, तो सिटिंग पोजीशन हम देते हैं। और कब देते हैं हम स्पाइन पोजीशन? आफ्टर स्पाइनल इंजरी। अगर स्पाइनल इंजरी हो रही हो तो क्या करते हैं? स्पाइन पोजीशन देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट, मेल कैथेटराइजेशन, मेल कैथेटराइजेशन के दौरान क्या देते हैं? स्पाइन पोजीशन देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं रोज पोजीशन। सेकंड पोजीशन कौन सी आ गई? रोज पोजीशन। आपको मैं बता दूं, आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रखनी है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जो शब्द आ गया, ड्यूरिंग ना बिफोर ना आफ्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर और बिफोर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कभी भी। क्वेश्चन में पूछा जाए ड्यूरिंग थायरेक्टोमी या लेरेंजेक्टोमी या टॉन्सिलेक्टोमी, इन सभी में कौन सी पोजीशन दी जाती है? रोज पोजीशन दी जाती है। ड्यूरिंग शब्द मतलब कि करते समय, प्रोसीजर करते समय, सर्जरी करते समय, ड्यूरिंग शब्द का मतलब ये हो गया, ठीक है। थायरेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, लेरेंजेक्टोमी, ट्रेकेस्टोमी, ये एडेनेक्टोमी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रोज पोजीशन, रोज पोजीशन की आप ये साथ के साथ आप क्या करना है, ये जो पिक्चर है ये देखते हुए जाना, जो इमेज है एग्जाम देते टाइम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। थर्ड देखते हैं डोर्सल लिगामेंट पोजीशन। इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, इसमें इसका यूज देखेंगे हम। ये इसकी हमने जो कर रखी है, इसको डिफाइन कर रखा है, जो पोजीशन का बेस है वो डिफाइन कर रखा है। ये क्लाइंट लाई ऑन हिज एंड हर बैक, लेग एंड सेपरेट नी फ्लेक्स एंड सोल ओ फिट ऑन बेड, ये पोजीशन के बारे में बता रखा है। इसके यूज इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यूज इंपॉर्टेंट है। पोजीशन की पिक्चर इंपॉर्टेंट है, पिक्चर देखकर पूछा जा सकता है आपको, जो इमेज देखकर पूछा जा सकता है, या फिर आपको उसके यूज कोई भी यूज उठाकर दे दें कि वेजाइनल एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन पुट करते हैं, तो डोर्सल पोजीशन हो गई, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी हम क्या करते हैं? रेक्टल एग्जामिनेशन में भी हम डोर्सल पोजीशन पुट करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी हम क्या करते हैं? डोर्सल पोजीशन को पुट करते हैं। या पेरिनियल केयर आफ्टर एपिजियोटॉमी, ड्यूरिंग क्या बोल रहा है? पेरिनियल केयर आफ्टर एपिजियोटॉमी। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग और आफ्टर और बिफोर,
इन सभी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आफ्टर कब बोला जा रहा है, ड्यूरिंग कब बोला जा रहा है, तो इन सभी का ध्यान रखना है। तो पेरिनियल केयर आफ्टर एपिजियोटॉमी कौन सी पोजीशन देते हैं? डोर्सल पोजीशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन चार टाइप की होती है, लो फाउलर, सेमी फाउलर होगी, फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर हो गई। जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, रेड पेन लेता हूं मैं, इमेज जो दिखाई दे रही है, तो लो फाउलर पोजीशन, ये जो मैंने मार्क किया है, कितना हो गया, ये 15 डिग्री का एंगल हो गया, 15 से 30 डिग्री के बीच में जो रहेगा, क्या रहेगा, वो लो फाउलर पोजीशन रहेगा। ठीक है, इसमें लो फाउलर का यूज कब करते हैं? पेशेंट विद एविसेक्रेशन। इसका मतलब ये होता है, अगर पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सूचरिंग हो रही है, और उसमें क्या होता है, उसके बाद 6 से 8 दिन, 10 दिन के बाद क्या होता है, वो सूचरिंग खुल जाती है और जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाते हैं, बाहर निकले हुए दिखाई देने लग जाते हैं। उसलिए हम क्या करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए लो फाउलर पोजीशन हम देते हैं। नेक्स्ट आ गई सेमी फाउलर पोजीशन। आ गई सेमी फाउलर पोजीशन का जो एंगल है 30 से 45 डिग्री एंगल रहता है। इसका यूज मैंने ये साफ साफ लिख रखा है, इसका यूज ये रेड कलर में इसलिए कर रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आफ्टर, इसमें मैंने आफ्टर बोल दिया, आफ्टर मास्टेक्टोमी, आफ्टर थायरेक्टोमी, आफ्टर क्रेनियोटोमी, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, ये आफ्टर हो गया, मतलब कि करने के बाद, सर्जरी करने के बाद हम क्या करते हैं, इनमें सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। मास्टेक्टोमी हो गया, थायरेक्टोमी हो गया। थर्ड हम देखते हैं फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन की 45 to 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये पोजीशन हम कब पुट करते हैं? अगर किसी पेशेंट का आईसीपी क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, उस दौरान क्या करते हैं, हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो पेशेंट को, और कोई एब्डोमिनल कैविटी से कोई ड्रेनेज करना हो, तब इस पोजीशन को पुट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इमोज इमेज जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट है। इमेज आपको बिल्कुल सेट करके रखनी है, किस टाइप की इमेज होती है, उस इमेज का क्या नाम होता है और किस यूज में दिया जाता है उनका। फोर्थ देखते हैं हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन का जो एंगल है 80 से 90 डिग्री का एंगल रखते हैं। एआरडीएस में इसका यूज किया जाता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, या फिर राइज ट्यूब, जो आरटी बोलते हैं हम शॉर्ट नेम, राइज ट्यूब डालते हैं तब हम पोजीशन को पुट करते हैं। या पेशेंट को रिब्स फ्रैक्चर हो गया हो, रिब्स फ्रैक्चर कब होते हैं, या तो एक्सीडेंटल में होते हैं, एक्सीडेंट होता है तब रिब्स का फ्रैक्चर होता है, या सेकंड क्या होता है, सीपीआर, सीपीआर का जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, सीपीआर में तब हम कौन सी पोजीशन देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी पूछा जा सकता है कि स्पाइनल स्पाइनल कोई सर्जरी हुई हो तो उसमें हम क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन, कोई भी फाउलर पोजीशन नहीं पुट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फिफ्थ पोजीशन की, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन ये देख सकते हो आप, इमेज आपकी इमेज दिखाई दे रही है प्रोन पोजीशन का, जो हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, प्रिवेंट बेड सोर्स। बेड सोर्स का हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, उसके अंदर पोजीशनिंग बताएंगे, कौन कौन से जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिन पर बेड सोर्स होने के मतलब कि चांसेस होते हैं ज्यादा, कौन कौन से एरियाज हैं उनमें हम आपको सारे बताएंगे। तो प्रिवेंट बेड सोर्स, या फिर असेस करना हो किसका, हिप ज्वाइंट का, जैसे लाइक मूवमेंट या पोजीशनिंग, पोजीशन ऑफ ज्वाइंट्स की अगर असेस करना हो तो हम कौन सी पुट करते हैं, प्रोन पोजीशन को पुट करते हैं। या कोई ट्रीटमेंट या सर्जरी करनी हो किसकी, बैक एरिया की ट्रीटमेंट या सर्जरी करनी हो, तब हम क्या करते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्स, सेमी प्रोन पोजीशन या सिम्स पोजीशन या फॉरवर्ड साइड लाइनिंग पोजीशन। ये तीनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई भी एक नाम एग्जाम में उठाकर आपको दे दिया जाएगा। पोजीशन देख सकते हो, ये फेस इस साइड आ सकता है, बेड का एंगल कहीं से कहीं घुमा कर दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पोजीशन, इसमें रेक्टल एनिमा, एनिमा लगाने में यूज में लेते हैं इस पोजीशन को, या इरिगेशन करना हो,
ठीक है, इरिगेशन के टाइम क्या करते हैं हम, सिम्स पोजीशन देते हैं या रेक्टल एनिमा के टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंडेंसलम बर्ग पोजीशन। ट्रेंडेंसलम बर्ग पोजीशन इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इस इमेज को उठाकर एंगल चेंज कर देते हैं, उसका होगा रिवर्स ट्रेंडेंसलम बर्ग हो जाता है, और ये जो आपको पोजीशन दिखा रही है ये केवल ट्रेंडेंसलम बर्ग हो गई पोजीशन। इसका यूज करते हैं जो पैल्विक ऑर्गन है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं। आप देख रहे हो इस पोजीशन को, अच्छे से देख लो, फेस किस साइड है, डाउन साइड है फेस, ठीक है, और जो हमारे पैर है वो किस साइड है, ऊपर की साइड है, या आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ट्रेंडेंसलम बर्ग कौन सी होती है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। तो क्या बताया मैंने, पैल्विक ऑर्गन की अगर एग्जामिनेशन करना हो तो हम ये ट्रेंडेंसलम बर्ग पोजीशन देते हैं, या ट्रीट करना हो शॉक को, और शॉक कौन सा, हाइपोवोल्यूमिक शॉक, हाइपोवोल्यूमिक शॉक को अगर ट्रीट करना हो तो हम ये पोजीशन देते हैं, या किसी पेशेंट को बीपी लो है तो क्या करते हैं, ट्रीट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को भी हम क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए इस पोजीशन को पुट करते हैं। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं कि अगर ये पोजीशन कब कब हम नहीं देंगे, तो अगर पेशेंट को हेड इंजरी हो रही हो तब ये पोजीशन हम नहीं देंगे, या पेशेंट को आईसीपी इंक्रीज हो रहा हो तब हम ये पोजीशन नहीं देंगे, या स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो रही हो तब ये पोजीशन नहीं देंगे, या फिर कार्डियक कोई डिसऑर्डर हो उस पेशेंट को तो हम ये पोजीशन नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट है ये पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैंने बताया उसी का अपोजिट है रिवर्स ट्रेंडेंसलम बर्ग, ये पोजीशन है, इसको दूसरा हेड अप टिल्ड पोजीशन नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। ये पोजीशन आपको ध्यान रखना है, हेड कहाँ है, अप साइड में है, और जो हमारे पैर हैं नीचे नीचे की साइड में, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, सारी ही पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी पोजिशन पूछी जा सकती है, और गारंटी है एक पोजिशन हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जीआरडी, जीआरडी क्या हो गया, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, डिजीज के अंदर ये क्या करते हैं पोजिशन को पुट करते हैं हम। नेक्स्ट पोजिशन देखते हैं अब, नाइन्थ लैटरल पोजिशन या साइड लाइनिंग पोजिशन बोलते हैं इसको, या पोजीशन देख लें, इस पोजीशन को बोलते हैं लैटरल पोजीशन। ये पोजीशन अब कब पुट करते हैं, हेमरोडेक्टोमी करते हैं, हेमरोइड रिमूवल ऑफ हेमरोइड, क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हेमरोइड, हेमरोइड को रिमूव करने के लिए हम इस पोजीशन को क्या करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लैटरल पोजीशन का यूज, इसको क्या करते हैं एनिमा देने के लिए काम करते हैं, या फिर सपोजिटरी इंसर्ट करते हैं हम, या फिर रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन सी लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं, या रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तब उसके टाइम, फिर से आ गया ये ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सिग्मोइड, सिग्मोइड स्कोपी करते हैं, सिग्मोइड स्कोपी करते हैं, उसको देखते हैं, जांच करते हैं सिग्मोइड कोलन की, या ड्यूरिंग इंसर्ट ऑफ फ्लैटस ट्यूब, फ्लैटस ट्यूब होती है, आपको उसकी इमेज दिखाएंगे हम आगे, फ्लैटस ट्यूब, फ्लैटस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तब हम क्या करते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन पुट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइट लैटरल पोजीशन, राइट लैटरल पोजीशन कब देते हैं, ड्यूरिंग सक्शनिंग, अनकॉन्शियस पेशेंट की क्या करते हैं सक्शनिंग करते हैं, और फेस किस साइड रहेगा, आपकी साइड रहेगा। कभी भी आप जाते हो, कभी हॉस्पिटल मरीज के पास जाते हो तो नर्सिंग ऑफिसर हरदम क्या रहेगा, राइट साइड में खड़ा रहता है, राइट साइड में ही खड़ा होना होता है, ड्यूरिंग आपको अनकॉन्शियस पेशेंट सक्शनिंग करनी हो तो पेशेंट की अगर माउथ केयर भी करनी हो तो आप राइट साइड में जाते हो, और फेस किस साइड रहेगा पेशेंट का, आपकी साइड में रहेगा। तो राइट लैटरल पोजिशन सक्शनिंग के दौरान अनकॉन्शियस पेशेंट की सक्शनिंग करते हैं, या फिर रिकवरिंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया लगा हो उस पेशेंट को तो उसकी रिकवरी के लिए, और उसको प्रिवेंट किस लिए करते हैं हम, एस्पिरेट, क्या पेशेंट एस्पिरेट ना करे, कि लैटरल पोजीशन में दे दी तो क्या होगा, जो भी सलाइवा वगैरह है वो इस साइड लैटरल साइड में गिरता रहे, राइट लैटरल साइड इसलिए देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें ध्यान रखना, आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो तो हम ये पोजीशन नहीं देंगे,
या कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई हो उसके अंदर हम ये पोजीशन नहीं देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियोटॉमी, लिथियोटॉमी पोजीशन। तो इस पोजीशन का यूज हम कब करते हैं? इसका करते हैं गायनेकोलॉजी का एग्जामिनेशन, गायनिक का कोई एग्जामिनेशन करना हो, ट्रीटमेंट करना हो, उस दौरान इस पोजीशन को देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तब इस पोजीशन को पुट करते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल प्रोसीजर करना हो कोई इन्वॉल्विंग जेनाइटो यूरिनरी पार्ट का अगर हमें करना हो तो लिथियोटॉमी पोजिशनिंग हम देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पोजिशन, ध्यान रखना, इमेज आप बिल्कुल माइंड के अंदर डाल लेना इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं 15, नी चेस्ट पोजिशन या जेनु पेक्टोरियल या नी एल्बो पोजिशन। ये तीनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तीन नाम से जाना जाता है इस पोजिशन को, नी चेस्ट पोजिशन, ये पोजिशन देख सकते हो आप। तो इस पोजीशन, इसका बेस्ट पोजीशनिंग होती है ये किस एग्जामिनेशन में? रेक्टम और वेजाइना, वेजाइना एग्जामिनेशन में सबसे बेस्ट पोजीशन होती है ये नी चेस्ट पोजीशन। विजुअलाइज सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन को विजुअलाइज करने के लिए इस पोजीशन को पुट करते हैं। या पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, ये क्या होता है? पोस्टपार्टम एक्सरसाइज भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाल्चर पोजीशन, वाल्चर पोजीशन। इसमें आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा किस तरह से इसके लेग हैं, ये बीच में से ये उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पोजीशन को बोलते हैं वाल्चर पोजीशन। ये किस टाइम देते हैं? अगर कोई बच्चा है उसकी प्रेजेंटेशन कौन सी हो रही है? ब्रिज प्रेजेंटेशन हो रही हो तो ब्रिज प्रेजेंटेशन के दौरान अपन क्या करते हैं? इस वाल्चर पोजिशन को पुट करते हैं, या कोई फोर्सेप्स डिलीवरी हो उसके दौरान पुट करते हैं, या फिर रिलैक्स पेरिनियम को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? इस पोजीशन को पुट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन, ये आपको दिखाई दे रहा है जैक नाइफ पोजीशन। और इसका दूसरा कौन सा नाम होता है? कार्स के पोजीशन, कार्स के पोजीशन होता है। ये कब यूज करते हैं हम? ये कोकिक्स की अगर कोई सर्जरी हो, कोकिक्स की सर्जरी करनी हो तब इस पोजीशन को पुट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कोकिक्स की सर्जरी करते हैं तो कौन सी पोजीशन पुट करते हैं? तो जैक नाइफ पोजीशन को हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉग रोल पोजीशन, लॉग रोल पोजीशन। इसमें पेशेंट को हमें फोल्ड नहीं करना, नेवर ट्रंक और ट्विस्टिंग ऑफ पेशेंट, ना फोल्ड करना है ना ऐसे, मतलब कि फोल्डिंग नहीं करनी है पेशेंट को। इस पोजीशन का यूज हम कब करते हैं? जब किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही हो तब इस पोजीशन को हम पुट करते हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से इसको रोल किया जा रहा है पोजीशनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइपोड या ऑर्थोपेनिक या कार्डियक पोजीशन, तीनों नाम है इसी पोजीशन के। आप देख सकते हो ये जो महिला है कैसे बैठी हुई है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइपोड या ऑर्थोपेनिक या कार्डियक पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को हम कब पुट करते हैं? सीओपीडी के पेशेंट को, या अस्थमा सीओपीडी पेशेंट को, ये क्या करते हैं? हम पोजीशनिंग पुट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटिंग अप लेग डैंगलिंग, लेग, एक सेकेंड, अठारह नंबर की पोजीशन कौन सी आएगी? सिटिंग अप विद लेग डैंगलिंग, डैंगलिंग पोजीशन। ये कब हम पुट करते हैं? सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को हम क्या करते हैं? इस तरीके बैठाते हैं, ये जो पैर लटके हुए हैं ना इस तरीके से हम बैठाते हैं, या कोई पल्मोनरी एडिमा हो रहा उस दौरान हम इस पोजिशन को पुट करते हैं। ठीक है, ये आपकी पोजिशनिंग कंप्लीट होती है। हमारे के नर्सिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।